अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ ना अप्पी को कुछ सामान लेना था क्योंकि जैन का एडमिशन हो गया था, तो उसके लिए कुछ सामान लेना था। तो हम लोग आ रहे थे मार्केट, तो खाला ने कहा कि अगर मार्केट जा ही रहे हो तो वो दुल्हन के लिए ना उसके मुँह दिखाई के लिए कुछ गोल्ड के इयर रिंग लेने थे, वो ले लीजिएगा। तो हम आ गए थे और यहाँ ये भैया मुझसे पूछ रहे थे आप वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा जी भैया। फिर यहाँ पे ना मैंने भैया से मांगा, भैया आप मतलब दिखा दीजिए गोल्ड की इयर रिंग दिखा दीजिए। तो ये यहाँ पे ना दिखा रहे थे मुझे, बहुत ढेर सारा दिए, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था, और जो जो नहीं मतलब जो बजट में आ रहा था वो पसंद ही नहीं आ रहा था। और आज जब हम लोग मार्केट गए थे जो सोना था वो 69,000 भरी, जो भी ग्राम और भरी जो भी होता है वो था, इतना महंगा। ओ माय गॉड, मैं तो सोच में पड़ गई कि आदमी क्या मतलब सोना बनवाएगा इतना कॉस्टली, लेने के लिए तो सोचना पड़ेगा, हाय अल्लाह। लेकिन फिर जब मैंने देखा अपने आसपास तो भीड़ पे दुकान में भीड़ उतनी ही थी, भीड़ कमी नहीं हो रही थी। और फिर ना यहाँ मुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने खाला को फ़ोन लगाया, वीडियो कॉल किया। मैंने खाला से कहा, खाला जो मुझे पसंद आ रहा है वो बहुत कॉस्टली है, और फिर जो अच्छे नहीं लग रहे वो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप सुई धागा देख लीजिए। तो मैंने मुझे तो अगर कहा जाए पर्सनली तो मुझे सुई धागा पसंद नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लेते हैं सुई धागा। तो फिर यहाँ पर मैंने भैया से कहा, भैया आप ना सुई धागा दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है थोड़ा सा रुकिए तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पर ना इसमें से देख रही थी कि देखो कुछ पसंद आता है कि नहीं। फिर फाइनली हमने एक सुई धागा पसंद किया, वो ले लिया, जो कि मैं उसका शूट करना भूल गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ से हम गए थे बैग की शॉप पे, क्योंकि जैन के लिए बैग्स लेने थे। तो यहाँ पे अप्पी यहाँ पे बैग पसंद कर रही थी, तो फिर फाइनली हमें एक बैग उसका पसंद आया जो कि अच्छा था, वो लिया। और यहाँ पे फिर मैंने भैया को उनके पैसे दिए, और वहाँ से फिर हम आ गए थे यहाँ पे चप्पल की शॉप पे, क्योंकि कुछ चप्पल थे जो कि गए हुए थे और वो साइज़ में बड़े थे, तो उसको यहाँ पे एक्सचेंज करवाना था, और जो लेके गए थे उसमें का कोई चप्पल ही नहीं था। तो फिर यहाँ पे फाइनली हमने पसंद किया और हम आ गए थे घर, और मेरे घर यहाँ पे आके उपद्रव मच गया था सिर्फ बॉटल के लिए। ये देख रहे हैं अमायरा ना बॉटल टांग के टहल रही है, और ये जैन देखो कह रहा नहीं मेरी बॉटल है आप क्यों लिए हो। मैंने कहा जैन दे दो, कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा ना अब मैंने, और यहाँ पर जिक्रा उससे छीन रही है कि दे दो, अमायरा रो रही है। मैंने कहा अमायरा चुप हो जाओ, आपको भी मिलेगी जब आप पढ़ने लायक हो जाओगे तो आपको भी मिलेगी, लेकिन ये सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थी। और फिर यहाँ पे ना दुल्हन की विदाई थी, तो लोग आ गए थे लेने के लिए, तो पानी वानी पीने के बाद यहाँ पे लग रहा था खाना, और सारे खाना लग गए थे, और जो कि मैं बहुत सी चीज़ें शूट करना भूल गई थी, फिर मुझे बाद में याद आया, तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े मैंने बना लिए थे, क्लिप ले लिए थे, क्योंकि ना मेरे यहाँ बहुत सी चीज़ अच्छा नहीं लगता है लोगों को सामने करना, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर दुल्हन की विदाई होने के बाद मैं भी आ गई थी घर, और ये देख जिक्रा इसको उठा रही गोदी, ये जिक्रा को बड़ा प्यारा है। फिर उसके बाद ना ये दोनों ही मेरे भाई के बेटे हैं, ये जो ग्रीन टी शर्ट पहना है उसका नाम जुहान है, और ये जो रेड पहना है उसका नाम अजलान है। और जिक्रा को तो अजलान से बड़ा प्यार है, उसको कोई मारता वरता है तो तुरंत एकदम भाग के उसके पास जाती है। और ये देख रहे हैं दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसका जो टोस्ट था वो नीचे गिर गया, और ये बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए उनको उठा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे आपस में लड़ते हैं। और उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद अम्मा यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ रही थी, और मैं यहाँ पे अम्मा से बातें कर रही थी, लेकिन फिर अम्मा असर की नमाज़ पढ़ने लगी, और अम्मा मेरी काफ़ी परेशान है क्योंकि अम्मा की आँख का ऑपरेशन होने वाला है। तो आप लोग से दुआ है अम्मा के लिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अम्मा के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सही सलामत अम्मा की आँख का ऑपरेशन हो जाए, और अल्लाह पाक हर माँ को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो ये था मेरा वीडियो, अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।